नमस्ते, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रोहित पोखरियाल। चार बड़ी खबर जानी। पहली खबर मोरबी से जुड़ी होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी मोरबी पहुंच रहे हैं, जामु पीड़ित परिजनों से, परिवारों से मुलाकात करेंगे, उनका दर्द बांटेंगे। कल गांधीनगर में पीएम मोदी ने मोरबी के हालातों की समीक्षा की और आज दोपहर वो यहां पहुंच भी रहे हैं। इस खबर पर नजर होगी हमारी। दूसरी खबर जानी। मोरबी में आज तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन का काम सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगा। 137 लोगों के शव अब तक मिल चुके हैं, लेकिन इस हादसे के बहाने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां सियासत करने में जुटी हैं, जिस पर नजर होगी। तीसरी खबर भी मोरबी से जुड़ी है। मोरबी के गुनहगारों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। पुल के मैनेजमेंट और इसकी मरम्मत से जुड़े 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन सवाल ये कि पुल का संचालन करने वाली कंपनी और एवा के मालिक पर कब कार्रवाई होगी। चौथी खबर जानिए। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने अपने साले राहुल गांधी की तुलना साईं बाबा से कर दी। वाड्रा ने कहा कि जैसी सोच साईं बाबा की थी, वैसे ही राहुल गांधी की है, और इससे पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से कर दी थी। इस खबर पर क्या विवाद हुआ, उस पर भी बात करेंगे। इन तमाम खबरों के अलावा हर एक खबर पर नजर होगी हिंदुस्तान की, लेकिन शुरुआत होगी 50 बड़ी खबरों के साथ। ब्रज हादसे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का आज मोरबी दौरा। हादसे में घायल लोगों और पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर पीएम मोदी ने गांधीनगर में की अगले वर्ल्ड मीटिंग। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने पर दिया जोर। ब्रिज हादसे पर गुजरात में एक दिन का राजकीय शोक। 2 नवंबर को झंडा आधा चुका रहेगा। ब्रिज हादसे पर झलका पीएम मोदी का दर्द। हादसे को लेकर भावुक हुए पीएम, कहा अपने जीवन में शायद ही कभी इस तरह के दर्द का अनुभव किया होगा। मोरबी ब्रिज हादसे में अब तक 137 लोगों की मौत की पुष्टि। 100 से अधिक लोगों का चल रहा है इलाज। मोरबी के मच्छू नदी में आज सुबह 9 बजे से फिर शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी भी कई लोगों के लापता होने की खबर। मोरबी ब्रिज हादसे में अब तक की फोरेंसिक जांच में का दावा। पुल में लगे थे पुराने तार और भारी भीड़ के चलते हुआ दर्दनाक हादसा। सस्पेंशन ब्रिज हादसे में ओरेवा कंपनी के 4 कर्मियों समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी। पुल के रखरखाव और संचालन का ठेका ओरेवा ग्रुप को मिला था। मोरबी में घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच कराने की मांग। मोरबी हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में SIT बनाकर जांच कराने की मांग। हादसे में लापरवाही का खुलासा। एक कंपनी ने लिया पुल का ठेका, फिर दूसरी को कर दिया ट्रांसफर। चुनाव से पहले जनजातियों को लुभाने की कोशिश। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक मंच पर होंगे पीएम मोदी और सीएम गहलोत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय हिमाचल दौरा। 2 दिनों में 6 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। अमित शाह चंबा, मंडी और शिमला में करेंगे चुनावी जनसभा। बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में मांगेंगे वोट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज नोएडा दौरा। इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित इंडिया वाटर वीक के साथ हुए संस्करण का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र के विधायकों की अयोग्यता पर आज विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। 5 जजों का पैनल मामले को सुनेगा। दिल्ली NCR के प्रदूषण स्तर बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंचा। अगले 5 दिनों तक प्रदूषण के स्तर में कोई खास सुधार की उम्मीद नहीं। दिल्ली सरकार ने LG को फिर भेजी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन की फाइल। LG ने मांगे कैंपेन के फायदे के सबूत। 1984 दंगा पीड़ितों की याद में बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने निकाला कैंडल मार्च। बीजेपी कार्यालय से रकाबगंज गुरुद्वारे तक किया मार्च। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब्त हुआ करीब 70 करोड़ का ड्रग्स। हेरोइन के साथ विदेशी नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली के करोलबाग में प्राइवेट बस ने महिला को कुचला। हादसे में महिला की मौत, बस चालक फरार। RBI आज से शुरू करेगा डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट। डिजिटल करेंसी आने के बाद आपको अपने पैसे पास कैश रखने की नहीं होगी जरूरत। सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए अब बताना होगा OTP। सिलेंडर की बुकिंग के बाद ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा OTP। दिल्ली में बिजली सब्सिडी का नया नियम आज से लागू। इसके तहत जिन लोगों ने बिजली सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उन्हें सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। आज से इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए बदल जाएंगे नियम। अब बीमा दावों के लिए KYC अनिवार्य होगा। योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। 1,070 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कानून और शांति व्यवस्था मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश। ग्रेटर नोएडा में अगवा छात्र को छुड़ाने वाली पुलिस टीम ने सीएम योगी ने की मुलाकात। छात्र का परिवार भी सीएम योगी से मिला। ज्ञानवापी मामले में जितेंद्र सिंह बिसेन को वाराणसी पुलिस का नोटिस। सीएम योगी को मुख्य पक्षकार बनाने का किया था वादा।
ओवैसी पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का विवादित बयान, असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वजों को बताया हिंदू, कहा ओवैसी के बाबा के पिता का नाम तुलसी रामदास था। यूपी के बांदा में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या से सनसनी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सपा नेता, उसकी मां और पत्नी की गोली मारकर हत्या। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी वीडियो बनाकर पीड़िता को कर रहा था ब्लैकमेल। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश एहसान पुलिस की गोली से जख्मी। यूपी के इटावा में जांच के दौरान 10 मदरसे मिले गैर मान्यता प्राप्त, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने डीएम को सौंपे रिपोर्ट। निकाय चुनाव से पहले मेरठ में अवैध तमंचा फैक्ट्री का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में गैंगरेप पीड़िता पर दबंगों ने किया जानलेवा अटैक, पीड़िता के माता पिता का भी हाथ पैर तोड़कर किया अपहरण। यूपी के फतेहपुर धर्मांतरण मामले में मास्टरमाइंड पादरी गिरफ्तार, चर्च के अंदर प्रार्थना सभा की आड़ में चल रहा था धर्मांतरण का खेल। मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस आज, भोपाल में स्थापना दिवस समारोह को लेकर कलाकारों ने किया रिहर्सल। एमपी फाउंडेशन डे को लेकर सीएम आवास, विधानसभा की आकर्षक लाइटिंग, रंग बिरंगी लाइटों से सजे शासकीय भवन। छत्तीसगढ़ का 23वां स्थापना दिवस आज, इस मौके पर आज शुरू होगा 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी डांस फेस्टिवल। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगी धान की खरीदी, खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी, करीब 3.25 करोड़ किसानों ने कराया पंजीकरण। राहुल गांधी की साईं बाबा से तुलना करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस भ्रमित हो चुकी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्टेट सिविल सप्लाई विभाग की लापरवाही, पीडीएस के तहत भेज दिया खराब गेहूं। ग्वालियर में सिंधी असमर्थक इमरती देवी का हुआ अपमान, अंबेडकर प्रतिमा हटवाने पहुंची इमरती देवी को महिलाओं ने सुनाई खरी खोटी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण मामले को लेकर बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदर्शन, सरकार पर लगाया आरक्षण विरोधी नीति अपनाने का आरोप। मध्य प्रदेश के हरगोन टैंकर ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़ी, ब्लास्ट में झुलसे 2 और लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में मारपीट, 3 युवकों ने 1 शख्स को बुरी तरह से पीटा। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में शेरनी ने 3 शावकों को दिया जन्म, चिड़ियाघर प्रशासन ने शावकों को आइसोलेशन में रखा। कोविड के चलते शंघाई डिज्नीलैंड रिजॉर्ट बंद, रिजॉर्ट के अंदर फंसे कई लोग, रिजॉर्ट से बाहर निकलने के लिए नेगेटिव कोविड टेस्ट जरूरी। हांगकांग में व्यापक सुरक्षा के इंतजाम, सियोल में हुए हैलोवीन हादसे के बाद हांगकांग प्रशासन बेहद सतर्क।